सभी दर्शकों को ऋषि पालदून का नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं खानपुर, जो मिनी पीजीआई के नाम से जाना जाता है। और आप मेरे इधर राइट साइड में देखिए, यहाँ पर हरियाणा में आपको बता दूँ, रोज़ाना सरपंचों की हत्या हो रही है, चाहे चांदी का हो या बड़ाले का हो। और इसी तरह पर एक आज हत्या हुई है छिछड़ाना गाँव के सरपंच की, जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में आता है। क्यों हुई है, कैसे हुई है, आइए जो गांव के हैं, परिवार के, उनसे मिलवाते हैं। और जो हमारे साथ कुछ पुलिस वाले भी आ रहे हैं, वो भी बताएंगे। आइए मिलवाता हूँ। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी सर, अभी पोस्टमार्टम सरपंच साहब को चिचड़ाने गांव में जो ये वारदात हुई, गोली लग कर ये सुबह गोली लगी है इसको, ये फिलहाल पोस्टमार्टम चल रहा है जी। जी तो अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं एक डेढ़ घंटा और लगेगा जी। जी तो उसके बाद आगे ही कार्रवाई करेंगे। और आपको कब सूचना मिली सर? हमें हॉस्पिटल से भी सूचना मिली थी और जी गांव से भी। अच्छा जी, फोन पे? हाँ जी जी। तो ये सूचना सुबह ही मिल गई थी जी। अच्छा, और अब तक किसी गिरफ्तारी भी हुई? नहीं जी, अरेस्ट नहीं है कोई। बताइए सर, ये पोस्ट डाल के ओपन कर दिया है, बदली भावना लेके, ऐसा आया कुछ सामने? ऐसा कुछ सामने नहीं आया है अभी जी। जी जी। और ये पता लग गया सर हमें कितने गोली लगी, कितने नहीं? वो भी पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर होगा जी। जी जी, अभी कुछ नहीं, कोई क्लियर नहीं हो रहा जी। हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्लियर करेगी जी इस बात को। जी तो मौके पर जिसमें आप पहुंचे जी, सरपंच साहब की डेथ हो चुकी थी? नहीं जी, मौके पर इसके परिजन इनको लेकर हॉस्पिटल आ लिए थे। अच्छा, परिजन लेके आए हॉस्पिटल जी। थैंक यू सर, धन्यवाद। ये दो तीन साल पहले शादी कर दी थी? एक बेटी, दो बेटे? दो बेटे, हमने बेटे ने मेरे थे दोनों। अच्छा, पता है गांव में कई गोली लग कर निर्मम तरीके से हत्या करी गई इनकी, सही सुन रहे जी वो? हाँ, वो खेत में जाए थे सुबह, तो हमें भी तो पता लगा था, किसी ने भाई का फोन आया था सुबह 6:30 बजे ही। अच्छा अच्छा, उन्होंने सरपंच का खेत में जाया था, खेत में जाते वक्त सुबह खेत में जाते टाइम वाका हुआ? हाँ हाँ, खेत में जाते, खेत का रास्ता ही बीच में गया था, खेत में नहीं जा लिया था अपने खेत में जी। जी, और रास्ते में गया था, और रास्ते में जाते जाते उसका गोली मार रखी। इनकी कोई पुरानी रंजिश थी या कैसे, क्या हुआ जी, कुछ अंदेशा है इस बात का? हाँ, वो तो सुनने में आया है, जो यहाँ आया उन्होंने भी, उनके परिवार वाले ने जो रिपोर्ट लिखवाई है, तो उस रिपोर्ट के जो रिपोर्ट लिखवाई थी, वहाँ साथ में खड़े थे हम, जो पीछे था इलेक्शन के टाइम पे को प्रत्याशी था हमारा दलबीर जी, जी। उसका वो गोली मार दी थी, गाँव वाले हैं क्या नाम है उसमें भी जी जी, तो उसमें भी वो कह है हमें तो बदला लिया है जो दो है। संस्कार होने से पहले ये मामला लिया कि भी बदला ले लिया? नहीं नहीं, उन फेस अपना उसका फेसबुक था उस पर डाल रखे बताऊँ। अच्छा अच्छा, जो उनके भाई का लड़का था जो दलबीर था। अच्छा अच्छा, वो प्रत्याशी था पीछे, मतलब बराबर में जो दूसरा पक्ष खड़ा था जो। हाँ हाँ, उसके परिवार में से उन्होंने फेसबुक पे वो करा है, बोला भाई पोस्ट डाल दी अपनी, पोस्ट डाल दी। हाँ, अभी तो शुरुआत की है जो वो, मतलब शुरुआत ही, मतलब और भी नुकसान हो। हाँ हाँ, उसका हिसाब से जो उन्होंने डाल रखे उस हिसाब से होएगा। अभी ये नहीं हुआ कितनी गोली लगी कितनी नहीं, ना ये नहीं अंदेशा होया, वो तो बिलक ले गए थे पोस्टमार्टम में। अच्छा अच्छा, तो वो पोस्टमार्टम में लाए पास, फिर इसमें डेड हाउस में ले जा रहे हैं, यहाँ पोस्टमार्टम कर रहे हैं, कितनी गोली लगी कितनी, ये अंदेशा नहीं हो लिया हमें। अच्छा अच्छा, हाँ यही बैठे हैं सुबह जा रहे हैं। कुछ ऐसा होया कि वहीं पे मौके पे डेड हो लिया या यहाँ के रास्ते में? नहीं नहीं, मौके पर हो लिया था। अच्छा, यही है मतलब जो पोस्ट डाली है या पुलिस तस्दीक के मुताबिक गांव के, गांव में पुरानी जो इलेक्शन के दरमियान इस रंजिश को लेकर वाकई हुआ है? हाँ बस, वो तो हम तो पहले नहीं मानने थे वो इलेक्शन का वो है, वो क्यों काम जो वो था उन्होंने भी नहीं कही थी इलेक्शन की, उसमें मारे हैं जो इन्होंने वोट डाली हो, तो ये भी लगे पोस्ट डाली है तो लगे ओपन हो गया, मतलब इलेक्शन का वो मान रहे थे, उसमें जो हमारा मारा था इसका सरपंच का हाथ था। अच्छा, इलेक्शन के दरमियान उनका भी कोई नुकसान हुआ था? नहीं नहीं, मौत हुई थी ना उसकी, गोली लगी थी जो आपने नीनू को हुआ पीछे हुई थी। हाँ, पीछे हुई थी, वो इलेक्शन थे दो दिन पहले ही वो मौत हो गई, तो वो कैंडिडेट था वो। अच्छा, वो भी कैंडिडेट था, इलेक्शन दो दिन पहले वाका होया, उसके साथ में निर्मम तरीके से मौत हुई थी उनकी, गोली लगकर गोली लगकर। उन्होंने शक जताया इन्हीं के ऊपर? हाँ, उन्होंने शक जताया कि भाई जो यूँ मारा था वो चाचा था, वो था जो था वो मरवाने में इसका सरपंच का हाथ था जी। वो अंदेशा लगा के इन वो कर, ऐसा नहीं होता जी मान ले करनी है उस समय, मान ले कोई और शक के दरमियान नुकसान या आपस में हो जाए, कई बार हो जाए ऐसा? हम तो मान रहे हैं, हम बताओ गांव के जो थे
ऐसी भी बात नहीं थी। वो जो था दलबीर माई था उसके लिए भी बोलचाल ठीक थी जी जी। और वो था हम तो ये मान भी नहीं रहे थे भाई इसने करवाई है, पर वहाँ तो वो अपना उसमें मान नहीं रहे थे वो जो उनका अपना मानना था कि उनका हाँ उनका अपना मानना था ये हाँ। मैं तो काम अभी तक भी नहीं हो लिया था भाई उसमें जो सरपंच थे वो इसका हाथ था नहीं हमने तो किसी पर ना किसी पर सुनी क्यों एक साल से ज़्यादा हो गया उसकी वो थी नवंबर 10 नवंबर को इलेक्शन से 2-4 दिन पहले की बात थी। 12 का इलेक्शन था। क्या नाम था उनका भी उनका और दलबीर फौजी दलबीर फौजी दलबीर फौजी बिल्कुल वायरल हुआ था काफी मुद्दा दलबीर फौजी वो भी दो वायरल उनका था वो भी मतलब इलेक्शन तो 2 दिन पहले जब मौत हुआ था उसमें तो थोड़ा वायरल तो उनका ही था जी जी उसकी भी ऐसे ही हत्या हुई थी। अभी ये पोस्टमार्टम नहीं हुआ अभी ये पता नहीं लग गया गोली क्या लगी क्या नहीं नहीं वो नहीं पता लिया क्यों पोस्टमार्टम होगा जब हम भी अंदर बार बार नहीं जा रहे क्यों वो करेंगे जी जी वो तो ले तो गए थे वहाँ उसमें एक्सरे रूम में ले गए थे जी। वो देखेंगे कितने आज सुबह कै बजे का था मेरे साहब 6:30 बजे का सुबह मतलब घर से वॉकिंग के लिए पैदल गए हो कोई नहीं नहीं बाइक पर जाते हैं वो थोड़ा खेत इसका खेत मकान से मतलब 1.5-2 किलोमीटर दूर है और आज तो चाहे नज़दीक भी हो उस पर पैदल जाते ही नहीं बाइक पर जा रहा था जी जी। सुबह दिल्ली का काम था उसका सुबह वो बाइक पर जा रहा था जब वो हमारी आज जैसे गाँव वालों ने बताया है कि पुरानी इलेक्शन के दरमियान जो रंजिश के दौरान जो सख्त जता गया उसके ऊपर हो ना हो कई बार ऐसा हो जाए करने वाला कोई और हो और नुकसान किसी और को भुगतान करनी पड़े ऐसा भी नहीं होना चाहिए आपस में गांव के गांव में राजनीति मुद्दे को वहीं के वहीं क्लोज कर देना चाहिए न कि उसको लेकर इशू पैदा हो और आपस में जान माल के नुकसान हो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें आप लोग इस जो सरपंच साहब आज इस दुनिया में नहीं है उसको लेकर पूरा गांव शोक में बैठा है उसकी आत्मा शांति के लिए एक ओम शांति का कमेंट जरूर डालना और इसमें पोस्टमार्टम में कितनी गोलियां लगी कितनी नहीं पुलिस जो खुलासा करेगी अगली अपडेट आपको वो भी मिल जाएगी जैसे जैसे अगली अपडेट ओपन होएगी और जब तक आप लोग इसको शेयर करते रहना और किसी बात की पुष्टि मीडिया की नहीं है तमाम बातें पीड़ित ग्रामीणों की बताना है और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद सत्यमेव जयते। दोस्तों ये दिखाई हमने रूपरेखा जो चिड़ाना सरपंच की थी और बने रहिए टोला दून के साथ दूसरी वीडियो हम जल्दी ही अपडेट करेंगे तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम जय भारत।